नामांकन हुआ है आज, आपने नामांकन दाखिल किया, आपके पुत्र ने, कैसा लग रहा है, क्या माहौल है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी उम्र में 29 साल की उम्र में मैंने भी उपचुनाव लड़ा था, इसी प्रकार मेरे पिताजी और मैं नॉमिनेशन फाइल करने गए थे। आज वही यादें ताजा हो गई, वही 29 साल, वही उपचुनाव, और भगवान ने चाहा तो वही विजय होगी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आज आपके घर होते हैं, पहली बार आए हैं, आपको क्या लग रहा है कि मतलब पूरी तरीके से साथ जेजेपी भी अभी पीछे चल रहा था? देखिए, मैंने कल भी ये बात कही थी कि भाई हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, ये मन धड़क बातें लोगों की बनाई हुई थी, और जिसका सबूत आज आपको मिल गया, तमाम जेजेपी के और बीजेपी के नेता सब यहाँ बैठे हैं आपके सामने। देखिए, आदमपुर हलके में विकास 325 करोड़ का पहले ही मैं करवा चुका हूँ, और 530 करोड़ रुपए के काम पाइपलाइन में है, उन काम होने के बाद हमको नई घोषणाएं करवाएंगे, और उसमें सारे खाड़ भी हैं, बिजली के काम भी हैं, सड़कों के काम भी हैं, और भी काम है। विधायक रहे, लेकिन क्या मलाल रहेगा, ये कुछ विकास कार्य करवा नहीं पाए, तो अब क्या उस कमी को पूरा करेंगे? नहीं, देखिए, काम चौधरी भजनलाल जी इस प्रकार एक रहे, उस प्रकार मैं नहीं करवा पाया, क्योंकि सत्ता के बाहर रहा हूँ हमेशा। यही कारण मेरा, एक कारणों में से कारण ये भी रहा कि मैं सत्ता में जाना चाहता था कि मेरे आदमपुर हल्के में फिर उसी तरीके से विकास की गंगा बहे, जैसे चौधरी भजनलाल जी के टाइम पे बहती। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि जिस प्रकार कुलदीप बिश्नोई दिल्ली या विदेशों में रहते थे, उसी प्रकार भव्य बिश्नोई भी विदेश में ही रहेंगे और जनता की, और उसी प्रकार हमें वोट पड़ेंगे। हम लोग आदमपुर के लोग हैं, मेरा मेरी कर्म भूमि, मेरी जन्म भूमि दोनों आदमपुर है, और भव्य कर्म भूमि आदमपुर है। हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बच्चा किसी का गाँव में होता है तो कॉलेज के लिए शहर में पढ़ने आता है, और कोई विदेश पढ़ने जाता है, गाँव के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं है कहने वाली, क्योंकि भव्य के खिलाफ बोलने के लिए कुछ है नहीं, इस बात में कोई दम नहीं है। नहीं, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, छोटी मोटी नाराजगी हो सकती है, पर खिलाफत नहीं हो सकती। नाराज तो भाई भाई से भी हो सकता है, पर खिलाफ दुश्मन से होता है। आदमपुर हल्के का हर व्यक्ति मेरा परिवार है, जिसने हमें कभी वोट नहीं भी दिए वो भी मेरा परिवार है, उनको भी हम मनाएंगे। आपको जीत का बिगुल बजा दिया है बहुत, और मैं समझता हूँ जो कल हमें टारगेट मिला 1,00,000+ वोट का इस बार लेने का, उससे कहीं आगे हम जाएंगे, जनता का उत्साह देख के मुझे लगता है। जनता भव्य में चौधरी भजनलाल की छवि देखती है, तो ये कितना सुखद पल मेरे लिए, एक बाप के लिए उससे बड़ी बात क्या होती, किसी के लिए भी, किसी के अंदर चौधरी भजनलाल जैसी महान शख्सियत की छवि देखते हैं, मेरे लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। आपकी प्राथमिकता क्या रही है? देखिए, प्राथमिकता पहले तो चुनाव जीतने की है, उसके बाद आदमपुर हल्के का भरपूर विकास कराने की। मेरी क्या मार्जिन समझते हैं सर, आप कितने मार्जिन से जीतेंगे, जिस प्रकार से आप आश्वस्त? देखिए, मैं 30,000 वोट के करीब जीता था, और मैं समझता हूँ भव्य उसे डबल वोट से जीतेगा, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। नहीं, बस अभी सभी आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक यू। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेल ट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेल ट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।